हाय दोस्तों, हम लोग अभी आए हूँ हुटुगी टोला, जो असम के बरपेटा जिले के अंदर आता है। और यहीं पे एक सांप है जो एक घर के निचले भाग पे घुसा हुआ था। तो परिवार लोगों ने हम लोग को इन्फॉर्म किया, तो हम लोग आए यहाँ पर और देखे जो सांप है। ये जो घर है असम टाइप का घर है, तो इस घर के नीचे लिंटर के नीचे छिपा हुआ था। तो आइए दोस्तों, पहले इसको निकाल लेते हैं, जो आके मैं खुद भी देखा हूँ इस सांप को जो यहाँ पे घुसा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, पहले इस सांप को निकाल लेते हैं, यहाँ पे एक घेरा बनाते हैं और वहाँ पे पानी डाल के तो वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सांप यहाँ पे छिपा हुआ था और ये परिवार लोगों ने देखा था इस सांप को। और यहाँ पे जो फेनाल छिड़का गया था, तो इसके कारण ये सांप डर के मारे से या डर से अंदर घुसा हुआ है। चलिए यहाँ पे पानी डालना शुरू किया हूँ और ये देखते हैं, क्योंकि पानी के दबाव से ये सांप बाहर निकल आएंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा दिख रहा है, पानी में हलचल दिख रहा है, देखते हैं सांप निकालते हैं या नहीं, या कोई दूसरा जगह है, देखते हैं। पहले पानी में तो हलचल है, ये देखिए दोस्तों, पानी में हलचल हो रहा है, क्योंकि शायद पानी पे सांप होगा। क्योंकि लगभग 3 घंटा हम लोग पानी डाला हूँ यहाँ पे, लेकिन अब तक नहीं निकला है। चलिए देख रहे हैं अभी, क्योंकि पानी में थोड़ा हलचल दिख रहा है, तो किसी भी वक्त सांप निकल सकता है। वीडियो में बने रहे, दिखाएंगे। ये देखिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए सांप जो है 3 घंटे पानी के अंदर रहने के बाद भी ये कितना शांत से बैठा है, और अभी इसको दिखा जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसका शेर बाहर आया है, क्योंकि 3 घंटा पानी लगातार डालने के कारण ये जो सांप है ज़्यादा टाइम पानी में रह नहीं सकता है, क्योंकि सांपों को भी सांस लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, पहले इस सांप को यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, कितना चतुराई से इस कोने में बैठा हुआ है, सिर्फ सिर निकाल के बैठा हुआ है, क्योंकि उनको भी पता है। और जो हम लोगों ने आके यहाँ पे देखा, जो यहाँ पे फेनल छिड़का गया था, तो उसके कारण इस सांप में थोड़ा मुरझाया हुआ लग रहा है। तो चलिए पहले इनको यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि पानी के अंदर से और जो लिंटर के अंदर घुसा हुआ था ये सांप, तो उसको निकलना इतना आसान नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत भी चैलेंज है, बहुत थोड़ा टेक्निकी यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो उसको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहें, पहले दिखाते हैं किस तरह से इस सांप को निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि लगातार 3 घंटा पानी डालने के बाद इस सांप हाथ में आए हैं। चलिए थोड़ा कोशिश करते हैं, अगर मैं स्टिक में उठा पाता हूँ तो फिर निकल पाएंगे, वरना निकलना तो नामुमकिन है, क्योंकि ये सांस लेके फिर से अंदर खुद जाएगा। चलिए दोस्तों, कोशिश करते हैं स्टिक से थोड़ा निकलने की कोशिश करते हैं, अगर स्टिक में आ जाता है तो एक ही झटके में निकलना पड़ेगा। ओह, ये देखिए दोस्तों, निकल गया हूँ मैं, फिर से पकड़ लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए पकड़ लिया, बस आराम से पकड़ लिया हूँ, उसको भी चोट ना आए उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ही लंबा सांप है,
बहुत ही मोटाई है। ये आपका मोनोक्लोप कोबरा है, जिसे हम हिंदी में संद्रनाग के नाम से जाने जाते हैं। इसे असम के लोग इसको सक्रोफेटी बोलते हैं, क्योंकि इसके माथे में एक चक्र का निशान होता है। इसके लिए इस सांप को सक्रोफेटी के नाम से भी जाने जाते हैं। असम में फेमस है इस सांप, और हिंदी में इसे मोनोक्लेट हिंदी में इसे चंद्रनाग कहते हैं, और अंग्रेजी में मोनोक्लेट कहा जाता है, मोनोक्लेट कोबरा। चलिए पहले इसको ठीक से निकाल लेते हैं। ये पेड़ में चक्कर के रखा हुआ था, निकाल लिया है, क्योंकि हमको इस सांप को ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले इस सांप से बचने के लिए आसपास के लोगों ने यहाँ पे फिनाइल छिड़का हुआ था, और इस फिनाइल के कारण से सांपों को बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए मैं इसको धो लिया, फिर इसको धीरे से रिलीज करूंगा और देखूंगा कोई इसको ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा है। फिर उसके बाद इसको लेके जाएंगे, और जो हम लोग का रिलीज करने का जगह है मानस नेशनल पार्क, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला सांप होता है, इसीलिए हम इसको इंसानी इलाके में नहीं छोड़ेंगे, और इसे हम मानस नेशनल पार्क में छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे इस पर्यावरण में रहने के लिए इस सांप को अच्छा। चलिए दोस्तों थोड़ा कुछ दिखाते हैं, क्योंकि इस सांपों का बेजुबान जानवरों का रक्षा करना हम लोग का धर्म है, और इसीलिए हम इन सांपों को किसी तरह नुकसान ना हो उसको देखना भी हम लोग का जिम्मेदारी होता है। तो पहले हम देख लेंगे ये सुस्त है या नहीं, या कोई दिक्कत तो नहीं है, तो पहले देख लेंगे एक बार। तो मैं हाँ अभी तो ठीक है, लग रहा है ठीक है, फिर भी देखेंगे कोशिश करके। थोड़ा भी अगर लगता है कि सांप में थोड़ा भी कमजोरिया है, तो उस चीज को हम हटाने की कोशिश करेंगे, पानी डालेंगे, इसको फिर से नहलाएंगे। अगर कोई भी जाम रहता है इसके शरीर पे, तो इसको बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहें, और ये सब वीडियो देख के कभी भी अपने घर में करने की कोशिश ना करें दोस्तों, क्योंकि सांपों की जानकारी ना होने के कारण कभी भी आपके मौत हो सकते हैं। तो दोस्तों इन सांपों से मत खेलिएगा, क्योंकि हम लोग जो होते हैं सांपों के जानकारी होते हैं, इसीलिए हम लोग ये कर पाते हैं। दोस्तों हम सभी से गुजारिश करेंगे, कभी भी आपको सांप दिखे या आपके नजदीक कहीं भी सांप का रहने का अंदाजा हो या सांप दिख जाए, तो किसी एक्सपर्ट को बुलाएं, खुद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सांपों की जानकारी ना होने के कारण कभी भी आपका मौत हो सकता है। और मैं सभी दोस्तों को गुजारिश करना चाहूंगा, जो कोई भी इस चैनल में नया है, तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की एक लाइक और एक कमेंट के वजह से हम लोगों को हौसला मिलते हैं, और हम लोग आगे और कुछ कर पाने की दोस्तों थोड़ा ये जो सांप है थोड़ा लग रहा है थोड़ा मुरझाया हुआ है, फिर भी देख रहा हूँ, अगर हो सके तो मैं फिर से नहलाने की कोशिश करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये जो सांप होता है इसके शरीर में जैसे फेनाइल वगैरह होते हैं, तो उससे उसका शरीर में बहुत नुकसान होता है, और ये मौत के
नींद सो सकता है। तो फिर से मैं इसको थोड़ा पानी डाल के साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक बार मैं इसको ठीक से शरीर को मल के इसका जो उसके शरीर में जितना भी गंदा होगा या कोई भी जहर जैसे फिनाइल वगैरह कुछ लगा होगा उसको फिर से धोने की कोशिश करते हैं। दोस्तों लेकिन आप लोग ये करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मोनोकोलेट कोबरा में न्यूरोटॉक्सिन जहर रहता है, जिसके कारण आपको बहुत ही कम समय में आपका मौत हो सकता है। तो दोस्तों मैं यही बोलूंगा आप लोग के, अगर कभी भी आपके नज़दीक या किसी भी आसपास इलाके में किसी इंसान को सांप डस ले तो कृपया करके किसी तांत्रिक के पास मत जाइए, क्योंकि आसपास ही किसी हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे आपको फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगा, वहाँ पे एंटीवेनम मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स, और सभी देशवासियों को जय हिंद, भारत माता की जय।